हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। वेलकम आप सभी को हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आपको कैसे हैं, आई होप आप सब लोग अच्छी होंगे। राधे राधे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी। और कहीं आप लोगों को पता, टमाटर इतना महंगा है कि पूछो ही मत। जब टमाटर पड़ती हर चीज़ में तो टमाटर पड़ता है, लेकिन टमाटर बहुत महंगा हो गया है। और आज मेरा मन था मैगी खाने की, तो यहाँ भी मैगी बना रहे हैं। इस साइड में अभी तो प्याज वगैरह इसमें डाल दिया, प्याज मिर्ची। और यहाँ रहा मैगी, बना लेते हैं, खा लेते हैं। भूख बहुत जोर की लगी है। और जिसको जिसको भी मैगी खाना है तो आ सकता है वो मेरे घर। तो गाइस मैगी रेडी हो गई और आप लोग भी खा लीजिए। सब लोग वहाँ पे खा रहे हैं बाहर। और ये मेरा है, मैं जा रही हूँ खाने, उसके बाद खाना बनेगा। पता नहीं क्या हो गया, कुकर भी सीख नहीं आती, शायद रबड़ खराब है इसका। देखते हैं, ट्राई करते हैं। और आज सब्जी मैं बनाऊंगी। टमाटर बहुत महंगे हैं गाइस, इस टाइम बहुत महंगे हैं। और सब्जी बनाऊंगी मैं कुंदरू का, आज फर्स्ट टाइम मैं बनाने जा रही हूँ। खाई हूँ एक दो बार और बनाई नहीं हूँ। मेरा मन था तो मैं ले आई थी। और लाइट नहीं है, इन्वाइटर से लाइटें जल रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी मिर्ची इकट्ठा हो गई हैं। जब भी सब्जी आती है साथ में मिर्ची आती है, बहुत सारी इसमें सड़ गई हैं, तो इसको साफ कर लेंगे। और पहले सब्जी बना लेंगे, उसके बाद में ये सब आराम से करेंगे, क्योंकि मुझे अभी हरी धनिया और लहसुन मिर्चा का चटनी भी पीसना है। सब्जी बनाने के बाद सारा काम कर लूँगी, फिर लास्ट में चावल बनाऊंगी गाइस। और तब तक मैं ये सब छोटे छोटे काम कर लेती हूँ। और गाइस पता है मैं घर पे अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। मतलब मेरी ननद रानी थी वो भी चली गई, कल पूजा था तो वो चली गई, और मैं घर पे एकदम अकेली हूँ। ससी हो सकता है मंडे को आ जाए, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो दो बार रेडी हो चुकी है। मैं चार बार दिखा रही हूँ, पर वो दो बार रेडी हुई है और आ नहीं पाई है। देखो मंडे को कौन लेके आता है क्या कैसे, बट मैं अकेली हूँ। मुझे काम करना बिल्कुल खराब नहीं लगता अकेले, बट घर पे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा बोरिंग होती है। काम कर लो उसके बाद में खुद से ही बातें करते रहो। हाँ, लेकिन मेरे पास अच्छा ऑप्शन है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मैं आप सबसे बातें करती रहती हूँ। पहले सब्जी बनाते हैं। मैंने मैगी बनाया था, इसी में सब्जी बना लेंगे, क्योंकि लहसुन प्याज पड़ेगा, भूख लगेगा नहीं। दाल और चावल का बनाऊंगी, भूख लगाऊंगी, तो इसलिए एकदम साफ कुकर में मैंने दाल चढ़ा दिया है। और इसी में पलट लूंगी भगोने में, और चावल इसी में बना लूंगी, तो भोग इसका लग जाएगा, बाकी सब्जी का भोग नहीं लगेगा। भैया भैया मेरा आ गया। कहाँ पे हो, दिखाओ। सेल्वी नीचे बैठी है, कह रही मम्मी मैं यहाँ पे हूँ। तो गाइस मैंने इसी में मैगी बनाया था और सब्जी से बना रही हूँ, और सेल्वी आई है। सेल्वी को चाहिए था दूध, तो मैंने थोड़ा दिया है, क्योंकि हमेशा बचा देती है, कह रही नहीं पीऊंगी, वहाँ पे बैठी है। जाओ बैठो, कोई बात नहीं, मैं तो खाना बना रही हूँ। आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगी, आप मुझे बताओ तो सही। क्या गुस्सा क्यों हो गए हो, डाल देते हैं नमक। बहुत लोग कहते हैं कुंदरू की सब्जी खाना ही नहीं चाहिए, पता नहीं। सारा पानी इंजेक्शन की दाल का गाइस, इसी पे मैं साइड में सब्जी बन रही है, इस साइड में दाल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन पे बहुत सारा पानी गिर गया है दाल का। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा कटा है, शायद इसके अंदर पानी चला गया। ये देखिए ऐसे करने पे लग रहा है, तो पहले इसको धूप में ले जाएंगे, रखेंगे ना, करंट मार सकता है, हो सकता है कि करंट लग भी जाए।
और लाइट भी गई। लेके बैठ गई हूँ, दाल और सब्जी मैंने बना के रख दिया है। और यहाँ पहले मैं मिर्ची साफ करके रखूंगी, बहुत सारी मिर्ची है। और लहसुन प्याज लेके आई हूँ, वो भी करके रखूंगी छील कर। तो ये सब काम निपटा लेते हैं गाइस। और अंदर किचन में बहुत गर्मी लग रही थी और आज 2 दिन से धूप निकल रही है, तो बहुत सारी मक्खियाँ भी आ रही हैं। ज़्यादा बारिश हो तो भी खराब है, धूप निकले तो भी खराब है। पता नहीं कहाँ से इतनी सारी। यहाँ पे लहसुन प्याज भी लिया है, ये सब कर लेंगे, उसके बाद में जाएंगे थोड़ा और आराम कर लेंगे, क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं हुआ। 1 बज रहा दिया था और खाना रखा था और उसमें बहुत सारा सामान रखा था, वो मैंने खाली किया है, वो अभी करूंगी थोड़ी देर में। पहले ये सब कर लूंगी, सारी चीजें जो उसके अंदर रखी थी पहले मैं उसे क्लीन करूंगी, उसके बाद में फ्रिज करूंगी। अभी आप सबको दिखाऊंगी फ्रिज कितनी चमक रही है मेरी, एकदम नई जैसी हो गई है। चावल भी खत्म हो रहे हैं, बोरी मंगा। कितना सारा खराब मिर्ची निकल गया है, ये सिर्फ इतनी मिर्ची अच्छी निकली है। तो गैस क्लीन हो गया सारा कुछ, अब चल रहे हैं। टाइम भी हो गया, अब बैठे बैठे इतनी देर में बैठ के बिग बॉस देख रही थी। और बिग बॉस इस टाइम अच्छा आ रहा है क्योंकि शिवानी को देखते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैंने फ्रिज भी साफ कर दिया, अब चल रहे हैं चावल बनाएंगे। चावल मैंने भिगा कर रख दिया था यहाँ पर। ये फिर से लाइट बग गया, पता नहीं लाइट क्या करने वाली है। रौनक, रौनक बोलो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, एवरीवन। तो गाइस सबने खाना खा लिया है और मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो आप लोग भी आके खा लीजिए। इधर है सब्जी, प्याज है, चावल और दही है, थोड़ी सी लिया है खट्टी वाली चटनी, दाल अरे साइड में मैंगो। तो आप लोग भी आके खा लीजिए, मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो गाइस मैंने कहा था ना, मैंने फ्रीज क्लीन किया है, तो आप लोग देख सकते हैं उस साइड में बॉटल है और इधर कुछ खाना है शायद, इसके अंदर मीठा पता नहीं, और इसके अंदर मिर्ची और टमाटर है, और इस साइड में है तोरी। और निकाल देते, बहुत अच्छे से क्लीन किया मैंने वैसे, तो पता नहीं अब आप लोग बताइएगा क्लीन है या नहीं। और यहाँ पर भिंडी रखी हुई है, इसमें अदरक है, ये इसमें परवल रखा हुआ है, यहाँ पे रखी हुई है अरवी, पहले सेट कर देते हैं साथ साथ में। और इसके नीचे क्या रखा है, सेल्वी की कुछ दवाइयाँ रखी हैं इसमें, साथ साथ सेट कर देंगे। यहाँ पे घी का डिब्बा रखा हुआ है, थोड़ा मैंने निकाला, थोड़ा इसके अंदर है। इसमें क्या रखा है भी देख लेते हैं, इसमें रखा हुआ है तरबूज, लौकी, सेब और मैंगो, ये भी मैंने धुल के ही लगाया था। सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से क्लीन है जी। और इस साइड में इसमें है नींबू और यहाँ पे क्रीम है मेरा, इसमें कुछ मीठा रखा हुआ है, एक मिनट रुक के दिखा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मीठा है, ये दिखा देते हैं, अभी मैंने प्लेट खोला है इसको, ये और इसमें रखा हुआ है प्रसाद और ये एवरी यूथ का शायद मास्क है क्या है, और ये हरे वाले नींबू ये वाले, और इस साइड में पानी का बॉटल, जैम और ये क्या बोलते हैं उसको, क्या है ये रुआबजा है ना, और इधर मीठा सॉस मतलब टमाटो सॉस है, और इस साइड भी सॉस सारे लगे हुए हैं, ये सोया सॉस है, चिली सॉस है और सारे कुछ हैं, आप लोग देख लीजिए एकदम क्लीन क्लीन रहता है मेरा फ्रिज। तो गाइस मैं ऐसे ही मैनेज करके रखती हूँ फ्रिज में, अभी बहुत सारा जगह है, यहाँ भी आप सामान रख सकते हो, यहाँ इतना खाली है, हर जगह भी खाली है।